हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की। ये जो एमसीक्यूज हैं इनका लेवल थोड़ा सा अदर एमसीक्यूज से थोड़ा सा अप रखा गया है। 2016 का जो पेपर आया है उस लेवल को दृष्टिगत रखते हुए थोड़ा सा क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड है वो सुधारा गया है। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद है जो कि आपका पेपर होना है टीजीटी का। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस बेहतर लगेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ऑकर्स इन, यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रक्रिया जो है वो किस में होती है। पूरा ऑप्शन दे रखे हैं, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का प्रोसेस है ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ब्लैक मैन ने आपका लिमिटिंग फैक्टर्स की डेफिनेशन दी थी तो उसके अकॉर्डिंग जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें आपका क्लोरोफिल भी यूज़ होता है, लाइट यानी सनलाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन कहीं यूज़ नहीं हो रही है। तो ये लिमिटिंग फैक्टर की कैटेगरी में नहीं आता है क्योंकि ये यूज़ ही नहीं हो रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड बाय द हायर प्लांट्स। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपका जो परसेंटेज होती है लाइट एनर्जी की यूज्ड होती है वो अब आपका लगभग लेस देन 1% ही होती है, लेकिन चूंकि इसमें ऑप्शन दे रखा 1-2%, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे डी ऑप्शन पे। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1 or 2%। नेक्स्ट है, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर। इनमें से कौन जो है वो आपका हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, नाड, जीएमएन, फेराडॉक्सिन या एटीपी। तो जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर वो है आपका नाड। राइट आंसर ऑप्शन ए, नाड, यानी निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द एवोल्यूशन ऑफ हायर प्लांट्स। इनमें से कौन जो है वो आपका हायर प्लांट्स के एवोल्यूशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनुप्लाइडी, ऑटोप्लाइडी, एलोप्लाइडी या सेगमेंटल एलोप्लाइडी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलोप्लाइडी। जो पौधों की जातियाँ होती हैं उनमें आपका जो बीच में आपका मटेरियल एक्सचेंज होता है उसी को लेकर के उसी से आपका एवोल्यूशन जो है आपका इंक्रीज करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एलोप्लाइडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स, ट्राइसोमी इज मोस्ट कॉमन इन। जो ट्राइसोमी है वो आपका सामान्य है किसमें, पाइसम, एल्यू, रोई या धतूरा, रोयो या धतूरा। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, धतूरा। धतूरा में जो आपका ट्राइसोमी है वो मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द जीनोमिक स्टेटस ऑफ ब्रेड वीट यानी ट्राइटिकम वल्गर इज। ट्राइटिकम वल्गर जो है जिसको ब्रेड वीट भी कहते हैं, इसका जेनेटिक जो स्टेटस है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्सोप्लॉयड या ऑक्टोप्लॉयड। राइट आंसर ऑप्शन सी, हेक्सोप्लॉयड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस इज मोस्ट डैमेजिंग। अब कौन सी जो रेडिएशन है वो मोस्ट डैमेजिंग है,
तो वो है आपका एक्सरे। एक्सरे रेज जो होती है वो आपका मोस्ट डैमेजिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग चेंजेस इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन। तो ट्रांसवर्जन में जो होता है वो आपका प्यूरिन बेस जो होते हैं वो पिरिमिडिन बेस से आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो एडिनिन ग्वानिन तो प्यूरिन ही है तो ये हो नहीं सकते। साइटोसिन थायमिन ये तो आपके पिरिमिडिन हैं तो ये भी नहीं हो सकते क्योंकि एक आपका चाहिए प्यूरिन और दूसरा चाहिए पिरिमिडिन। साइटोसिन यूरेसिल ये तो यूरेसिल होगा ही नहीं क्योंकि ये तो आपका आरएनए की बात हो गई, ये भी क्रॉस हो गया। बचा आपका ऑप्शन डी, एडिनिन एंड थायमिन। तो इसमें आपका एक प्यूरिन है और एक पिरिमिडिन है तो इनके बीच जो एक्सचेंज है वो आपका ट्रांसवर्जन के लिए प्रोसेस कहलाएगा। वो तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिनिन एंड थायमिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो सीक्वेंस ये दे रखे हैं, कौन सा सीक्वेंस जो करेक्ट है, डीएनए आरएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए प्रोटीन। तो इसमें आपका दो तो एक ही जैसे हो गए, इसमें कहीं आपका कुछ मिसप्रिंट है। डीएनए प्रोटीन ये तो होंगे नहीं, इनमें ज़रूर कुछ आपका डिफरेंस है। राइट आंसर ऑप्शन ए, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। तो इसमें आपका जो सेंट्रल डोगमा होता है उसमें आपका डीएनए से बनता है आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन बाय ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, डीएनए टू आरएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है, अल्ट्रावायलेट म्यूटाजेनेसिस इज प्राइमरली कॉज्ड बाय। अल्ट्रावायलेट जो म्यूटाजेनेसिस हैं ये प्राइमरीली कॉज्ड होती हैं आपका, राइट आंसर ऑप्शन बी, डाइमेराइजेशन। नेक्स्ट है, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्रोमोसोम इज नोन एज। किसी गुणसूत्र का आरेखी जो निरूपण है वो क्या कहलाता है। तो आरेखी जो निरूपण है वो आपका कहलाता है इडियोग्राम। राइट आंसर ऑप्शन बी, इडियोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ऑल सिक्स टिश्यू बैरियर्स आर प्रेजेंट इन विच प्लेसेंटा। किसी नाल में सभी छह ऊतक बैरियर उपस्थित होते हैं जो आपका मैटरनल से लेकर के फ्यूटल के बीच में आपका सिक्स मेम्ब्रेन्स होती हैं तो आपका इन्हीं के आधार पर प्लेसेंटा डिवाइड करे गए हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो इसमें जो आपका पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा है जिसमें आपके छः के छः बैरियर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिथीलियो कॉरियल प्लेसेंटा। यानी एपिथीलियो कॉरियल प्लेसेंटा जो है इसमें आपके जो सिक्स बैरियर हैं वो प्रेजेंट होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, एपिथीलियो कॉरियल प्लेसेंटा। नेक्स्ट है, एसिड रेन इज ड्यू टू, अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। सल्फर डाइऑक्साइड के जो पोल्यूशन हैं उनकी वजह से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, डस्ट पार्टिकल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। नेक्स्ट है,
हैप्लॉयड प्लांट्स आर प्रिफर्ड ओवर डिप्लॉयड्स फॉर म्यूटेशन स्टडी बिकॉज इन हैप्लॉयड्स, जो हैप्लॉयड प्लांट्स हैं इनको ज़्यादा प्रिफर करा जाता है कंपेरिजन टू डिप्लॉयड म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन की स्टडी के लिए। तो ऐसा क्यों होता है कि हैप्लॉयड प्लांट ही यानी जो अगुणित पौधे होते हैं यही आपका म्यूटेशन की स्टडी के लिए प्रेफर करे जाते हैं? तो फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रिसेसिव म्यूटेशंस एक्सप्रेस इमीडिएटली, यानी जो रिसेसिव म्यूटेशंस हैं ये इमीडिएट एक्सप्रेस कर देता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला? ड्रोसोफिला में कितने आपके ऑटोसोम्स होते हैं और कितने आपके हेटरोसोम्स यानी सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें अलग अलग युग्म दिए गए हैं तो इनमें कौन सा आपका युग्म जो है वो सही नहीं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। जो इनकरेक्ट है वो है आपका ऑप्शन बी, वैस्कुलर बंडल डायार्च एंड हेक्सार्च, किसमें दिया है आपका? मोनोकॉट में यानी एक बीज पत्री में, तो ये आपका मैच नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग कोड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इनमें से कौन सा जो है वो आपका टर्मिनेशन कोड है? तो अगर आप देखेंगे तो टर्मिनेशन कोड ये भी है, ये भी है और ये लास्ट वाला भी है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव, यानी जितने हैं वो सभी आपके टर्मिनेशन कोड्स हैं। नेक्स्ट है 19, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल इज, पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। तो पादप कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण का जो स्थल होता है, फोर ऑप्शन दे रखे हैं, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। तो जो आपका प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है वो होता है आपका राइबोसोम्स। नेक्स्ट है, टोपोग्राफिक फैक्टर ऑफ सॉयल इज रिलेटेड विथ, जो टोपोग्राफिक फैक्टर है वो आपका किससे रिलेटेड है? सॉयल कंपोजिशन, सॉयल वाटर, सॉयल एयर या सरफेस बिहेवियर ऑफ अर्थ। तो जो टोपोग्राफिक फैक्टर है ये आपका जो रिप्रेजेंट करता है ये किसी भी प्रकार का एटीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना है और स्लोप कैसा है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक्सपोजर कैसा है, इनली स्लोप वगैरह ढाल कैसा है, तो ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन डी, सरफेस बिहेवियर ऑफ द अर्थ, यानी टोपोग्राफिक फैक्टर रिलेटेड है आपका सरफेस बिहेवियर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, आरो बंकी इज विच टाइप प्लांट, यानी जो आरो बंकी है वो किस टाइप का प्लांट है? टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट या पार्शियल रूट पैरासाइट? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरो बंकी जो है वो आपका टोटल रूट पैरासाइट्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, यूनिटेगमिक ओव्यूल्स आर फाउंड इन, यूनिटेगमिक ओव्यूल्स किस में पाए जाते हैं? गैमोपिटेली, पॉलीपिटेली या आर्कियोकैल्मिडेई या मोनोकॉट्स में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैमोपिटेली। नेक्स्ट
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पेपे रोमिया टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक हैज, पेपे रोमिया टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक हैज, तो पेपरोमिया टाइप का जो एम्ब्रायो सैक है इसमें आपका कितने न्यूक्लियस होते हैं? फोर ऑप्शन दे रखे हैं, 16, 8, 4 या 32। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 न्यूक्लियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो निक्टेथस में भी पाए जाते हैं और कैजुराइना में भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ, बैट नहीं होगा ये आपका बोथ होगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है 25। न्यूसेलस इज एब्सेंट इन, न्यूसेलस किस में एब्सेंट होता है? तो ये फोर ऑप्शन, फर्स्ट जो है वो है आपका सीव ट्यूब, ये सीव ट्यूब है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीव ट्यूब, इसकी स्पेलिंग जो है वो अलग थोड़ा गड़बड़ है, ये है आपका सीव ट्यूब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में जो न्यूक्लियस होता है वो आपका एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। हु कॉइंड वर्ड मेरिस्टेम, किसने जो है आपका जो मेरिस्टेम वर्ड है वो ईजाद किया था? तो फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेजिलाई, नेजिलाई 1858 ने आपका जो मेरिस्टेम शब्द है वो कॉइंड किया था। नेक्स्ट है लेसिफर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, जो लेसिफर्स हैं वो आपके किस प्लांट में पाए जाते हैं? पाइनस, सिट्रस, हेविया या रिसिनस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेविया। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेम इज गार्लिक, जो आपका गार्लिक का स्टेम है ये किस टाइप का होता है? राइजोम, ट्यूबर, बल्ब या कॉर्न? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसके जो राइट आंसर है इसको आप कमेंट करके बताएं कि ये जो 28 क्वेश्चंस है इसका राइट आंसर क्या होगा। 28 का आंसर जो है वो आप कमेंट करके बताएं हमें। नेक्स्ट है 29। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूसेस बीट शुगर, अब इनमें कौन सा प्लांट जो है वो आपका बीट शुगर प्रोड्यूस करता है? तो इसमें आपके फोर ऑप्शन दे रखे हैं, तो बीट शुगर जो प्रोड्यूस करता है वो होता है आपका बीटा वल्गैरिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मेडिसिनल, इनमें से कौन जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स है? फोर ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो रॉल्फिया सर्पेंटाइना जो है जिसको आपका सर्पगंधा भी कहा जाता है, ये आपका मेडिसिनल प्लांट है। क्योंकि रॉल्फिया जो सर्पेंटाइना है इसको आपका सांप काटने जो मेंटल डिसीज हैं इसमें यूज़ करते हैं, तो ये मेडिसिनल प्लांट है रॉल्फिया सर्पेंटाइना। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स क्लोव्स आर ऑब्टेंड, इसमें से किस प्लांट से आपका जो क्लोव है वो ऑब्टेंड किया जाता है? फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। जो क्लोव यानी लौंग है वो आपका प्राप्त की जाती है ऑप्शन डी, यूजीनिया एरोमेटिका, यूजीनिया एरोमेटिका से आपका जो लौंग है ये प्राप्त होती है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स
छोटा इलायची इज ऑप्टेन, जो छोटी इलायची है वो आपका किस प्लांट से, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके जो नेक्स्ट पेपर है टीजीटी का उसके लिए। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आए हैं या आने की उम्मीद है, तो इनको आप बहुत ध्यान से तैयार करें, क्योंकि जो पेपर का सिस्टम है वो थोड़ा बदल दिया गया है, तो उस पैटर्न को आप लेकर के उसी हिसाब से चलें। तो 32 में आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका इलेक्टेरिया कार्डमोनम, कार्डमोमम, इलेक्टेरिया कार्ड कार्डामोमम, जो इससे आपका जो छोटी इलायची है वो ऑब्टेंड की जाती है। नेक्स्ट है कॉफी इज ऑब्टेंड फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। अब कॉफ़ी जो है वो आपका प्लांट के किस भाग से प्राप्त की जाती है, लीव्स, फ्रूट, सिस्टम या फ्लावर। राइट आंसर ऑप्शन बी फ्रूट्स। कॉफ़ी जो है वो आपका फ्रूट से प्राप्त होती है, जो प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट है उसी से आपका जो कॉफ़ी है वो अलग की जाती है, प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टी इज ऑब्टेंड। अब इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिससे आपका जो टी है वो ऑब्टेंड की जाती है, तो इसका जो राइट 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कैमेलिया सिनेंसिस। कैमेलिया सिनेंसिस जो है इससे आपका जो टी है वो ऑब्टेंड करी जाती है। नेक्स्ट है 35 विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज फाउंड इन ओपियम। इनमें से जो दे रखे हैं इनमें से किससे जो है वो आपका ओपियम जो है वो प्राप्त होती है, ओपियम जो एक प्रकार का एल्कलॉइड है ये किससे आपका प्राप्त होता है। तो इसमें जो आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्डिनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 एसोफोटिडा इज ऑब्टेंड फ्रॉम। एसोफोटिडा जो है वो आपका किससे प्राप्त की जाती है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं रूट्स, फ्रूट्स, यहाँ पर लीव्स होना चाहिए और सीड्स। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसोफोटिडा जो है यानी जो आपका हींग होती है ये आपका प्राप्त की जाती है रूट्स से। राइट आंसर ऑप्शन ए रूट्स। नेक्स्ट है सवाना इज अ रीजन विच कंटेन्स। सवाना जो है वो कौन से रीजन की बात की जाती है, जो सवाना के जो वन होते हैं बिखरे हुए जिसमें पेड़ और झाड़ियाँ सम्मिलित हो पाए जाते हैं, तो सवाना में जो आपका स्कैटर टाइप के प्लांट मिलते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कैटर ट्रीज एंड बशेज। जो छितरे हुए कुछ आपके पेड़ और झाड़ियाँ होती हैं उनके लिए आपका सवाना जो फॉरेस्ट हैं वो यूज़ किए जाते हैं, सवाना वर्ड उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्मस ट्री फ्लोरा इन पैलेजोइक वाज रिप्रेजेंटेड बाय। जिम्नोस्पर्मस जो आपका ट्री फ्लोरा था पैलेजोइक के लिए उस वो किस आपके ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्डिया टेल्स। कॉर्डिया टेल्स जो है इस जो आपका ऑर्डर है इसके जो फॉसिल्स हैं वो आपका पैलेजोइक से मिले हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्डियर टेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 विच अमंगस द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर इन ग्राउंड नट ऑयल। इनमें से कौन जो है वो ग्राउंड नट ऑयल से ऑब्टेंड नहीं होता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं एसिटिक एसिड, ऑयलिक एसिड, लिनोलिक एसिड या पार्मेटिक एसिड। तो ग्राउंड नट से जो आपका ऑब्टेंड नहीं पूछा गया है नॉट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिक एसिड।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विच एमंगस द फॉलोइंग प्लांट्स गिव जूट, इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो जूट प्रोड्यूस करता है, कॉर्कोरस, कोकोस या कॉटेलेरिया या कैलोट्रोपिस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए कॉर्कोरस, कॉर्कोरस से आपका जो जूट है वो ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ द बेस्ट साइट इन इंडिया इज स्टडी फॉसिल फ्लोरा, इनमें से कौन सी जो साइट है जो आपका इंडिया में है और जो फॉसिल फ्लोरा की स्टडी के लिए बहुत बेहतर है। फोर ऑप्शन दे रखें, अरावली हिल्स, शिवालिक हिल्स, विंध्याचल हिल्स या राजमहल हिल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अरावली हिल्स, ये आपका राजस्थान के पास पाई जाती है अरावली हिल्स। नेक्स्ट है विच अमंगस द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज ऑब्टेंड फ्रॉम रॉल्फिया सर्पेंटाइना, अब आपका जो रॉल्फिया सर्पेंटाइना है इसमें आपसे आपका कौन सा जो एल्कलॉइड है वो ऑब्टेन किया जाता है, मॉर्फिन, कोडीन, रिस्पिरिन या पेपावेराइन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेस्पेराइन, रेसरपाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, इन नॉर्मल ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज कंपोज्ड ऑफ, एक सामान्य विद्युत हृदय लेख बना होता है, इसमें आपका फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी पी वेव, फिर उसके बाद पी क्यू एस वेव और उसके बाद लास्ट में आपका टी वेव। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये पी होता है, फिर क्यू आर एस और लास्ट में आपका टी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 43 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कोकस न्यूसीफेरा एंडोस्पर्म इज, कोकस न्यूसीफेरा एंडोस्पर्म जो है वो कैसा होता है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, अभी ये क्वेश्चन दोबारा फिर आएगा, तो ऑप्शन के आधार पर हमें चलना है क्या दे रखा है। तो 44 में जो है पूछा गया है कि कोकस न्यूसीफेरा एंडोस्पर्म इज, तो ये आपका फोर ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर या हेलोबियल। तो कोकस न्यूसीफेरा एंडोस्पर्म जो है वो आपका है न्यूक्लियर, एंडोस्पर्म जो है वो आपका न्यूक्लियर हो गया। राइट आंसर ऑप्शन ए न्यूक्लियर। नेक्स्ट है 45, मेल फ्लावर ऑफ इन यूफोर्बिया पल्चिरिमा हैज, अब जो मेल फ्लावर है यूफोर्बिया का इसमें आपका क्या होता है, फोर ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूमरस स्टेमेंस। मेल फ्लावर जो होता है यूफोर्बिया को उसमें आपके जो स्टेमेंस होते हैं वो न्यूमरस होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46, द प्लांट विथ लोवेस्ट क्रोमोसोम नंबर इज, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें आपका लोवेस्ट क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं, फोर ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस। राइट आंसर ऑप्शन ए हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, द फ्रूट ऑफ फ्रेगेरिया इंडिका इज, फ्रेगेरिया इंडिका है इसका फ्रूट आपका कैसा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इटेरियो ऑफ एक्नीज। नेक्स्ट है 48, द लोवेस्ट, लोवेस्ट होगा ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन यूनिवर्सल यूसेजेस, फोर ऑप्शन दे रखें, यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे छोटी जो है
वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई इसमें एक प्रकार से पूछी गई है, तो जीनस, ऑर्डर, स्पीसीज एंड क्लास, ये तो जनरली सबको पता ही होगा कि ये हो जाएगा आपका स्पीसीज, जो सबसे आपका लोवेस्ट जो सबसे छोटी है वो है आपका स्पीसीज। नेक्स्ट है 49, पैपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ, पैपस किसका मॉडिफिकेशन है, गाइनोसियम का, एंड्रोसियम का, कैलिक्स का या करोला का, तो राइट आंसर है जो पैपस है वो मॉडिफिकेशन है आपका कैलिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द फैमिली, वर्टिसिलास्टर जो इन्फ्लोरेसेंस है यानी वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम वो किस फैमिली में पाया जाता है, यूफोरबियेसी, मोरेसी, म्यूसेसी या लेमिएसी, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लेमिएसी। इसी का एक और नाम है वो है आपका लेबिएटी, तो ऑप्शन में चाहे वो लेमिएसी दिया जाए या लेबिएटी दिया जाए दोनों आपके सही हो जाएंगे, यहाँ पर चूंकि लेमिएसी दे रखा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेमिएसी। वैसे इधर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें लेबिएटी दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन चूंकि लेबिएटी है नहीं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है साइंथियम इन्फ्लोरेसेंस इज करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, साइंथियम जो इन्फ्लोरेसेंस है वो किसका करैक्टरिस्टिक फीचर है, कोरोटन, ऑसिमम, ट्राइटिकम या यूफोरबिया, तो राइट आंसर ऑप्शन डी यूफोरबिया, यूफोरबिया में जो है का करैक्टरिस्टिक फीचर है आपका साइंथियम इन्फ्लोरेसेंस का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूफोरबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इज फाउंड इन, इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के संवहन पूल रिंग पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, फोर ऑप्शन दे रखे हैं, रेकिस ऑफ साइकस, लीफलेट ऑफ साइकस, रूट ऑफ साइकस या लीव्स ऑफ पाइनस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेकिस ऑफ साइकस, राइट आंसर ऑप्शन ए रेकिस ऑफ साइकस, रेकिस ऑफ साइकस में आपका ओमेगा शेप्ड के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम इज, पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है, वी शेप्ड, वाई शेप्ड, सी शेप्ड या ऑल ऑफ दीस, तो पाइनस की रूट में जो आपका जाइलम का आकार होता है वो होता है आपका वाई शेप्ड, राइट आंसर ऑप्शन बी वाई शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, द टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस इज, पाइनस के में बीजांड का प्रकार होता है, फोर ऑप्शन एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, कैंपाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, तो पाइनस में जो आपका होता है वो होता है आपका एनाट्रोपस। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज मोस्ट कॉमन इन, कायिक जनन अधिक सामान्य होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपका किसमें कॉमन होता है, फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिक्सिया गैमेटोसाइट, यानी रिक्सिया गैमेटोसाइट में जो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है यानी कायिक जनन ये मोस्ट कॉमन होता है। नेक्स्ट है माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ, समसूत्रण व अर्धसूत्रण सदैव किसकी उपस्थिति के संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो ये आपका फोर ऑप्शन दे रखे हैं, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाइवेलेंट्स यानी युगली के रेफरेंस में आपका ये डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 57। इस सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल इज, एक अवसादी जीव भू रासायनिक चक्र होता है। तो अवसादी सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल पूछी है, फोर ऑप्शन, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड सल्फर साइकिल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर साइकिल यानी गंधक चक्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है, लेप्टोटिन, पैकेटिन, जाइगोटिन या मेटाफेज वन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइगोटिन। सिनेप्सिस होती है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, जाइगोटिन। नेक्स्ट है वेलामेन एंड स्पॉन्जी टिश्यू आर प्रेजेंट इन, वेलोमेन और स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं। फोर ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिफाइटिक रूट यानी अधिपादपी मूल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट एवरेज परसेंटेज ऑफ रेडिएटेड एनर्जी ऑफ सन डज एन एक्टिव प्रोड्यूस स्टोर बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक मूल उत्पादक सूर्य की ऊर्जा का औसतन कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण में संचय करता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पर देखिए हमको ऑप्शन दे रखा है लेस देन आपका 1%, इस वजह से हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए 0.1%। नेक्स्ट है 61। पेट्रो प्लांट्स वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय, पेट्रो प्लांट पादप सर्वप्रथम पहचाने गए, लैमार्क द्वारा, डार्विन द्वारा या हेच स्लैक एम केल्विन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रो प्लांट्स आपके पहचाने गए एम केल्विन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज, नारियल का भ्रूण कोश है। अब यहां पर जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम न्यूक्लियर पर ना जा करके हम जाएंगे सी, बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर। राइट आंसर ऑप्शन सी, बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। आर्कोगैमी इज फाउंड इन, स्व अनिषेच उभयलिंगिता पाई जाती है, ये किसमें पाई जाती है, कॉटन मैरीगोल्ड, क्लेट्रोपिस या बाजरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लेट्रोपिस यानी मदार में। नेक्स्ट है सर्सिनेट ओव्यूल शोज, स्थूल बीजांडकाई बीजांड प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो सर्सिनेट ओव्यूल है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेल डेवलप्ड न्यूसेलस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। द फ्रॉन्ड इज अ, प्रपण है एक, प्रपण एक क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ये आपका कंप्लीट लीफ है। राइट आंसर ऑप्शन बी, लीफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। द इंसेक्ट विच ले एग इन वाटर इज, कीट जो अपने अंडे जल में देता है, बटरफ्लाई, हॉर्स फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई या सैंड फ्लाई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ड्रैगन फ्लाई। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज नॉन पॉइजनस, निम्न में से कौन सा सर्प विषैला नहीं है, कोबरा, पाइथन, करैत या वाइपर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी पाइथन। पाइथन जो है ये आपका नॉन पॉइजनस स्नेक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, इन बीज वैगल डांस इज मेंट फॉर, शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का अर्थ है। फोर ऑप्शन दे रखे हैं, रिप्रोडक्शन, कम्युनिकेशन या विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड या किलिंग फॉरेजन बींग्स। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड। नेक्स्ट है 69, बल्बोनिक प्लेग इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ, बल्बोनिक प्लेग नामक रोग का स्थानांतरण किसके काटने से होता है। फोर ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जिनोप्सिला च्योपिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, काला आजार एंड ओरिएंटल शोर आर डिजीज स्प्रेड बाई, काला आजार तथा ओरिएंटल शोर जो रोग है वो किसके द्वारा फैलता है। फोर ऑप्शन दे रखे हैं, सैंड फ्लाई, हॉर्स फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ग्रास हॉपर। राइट आंसर ऑप्शन ए सैंड फ्लाई। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स इज इंजर्ड इन मेमोरी ऑफ अ मैन वीकेंड्स, निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी। तो इसमें फोर ऑप्शन दे रखे हैं, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सेरिब्रम, जो मेन आपका टू थर्ड ब्रेन होता है सेरिब्रम, इसके क्षतिग्रस्त डैमेज हो जाने से या इंजर्ड हो जाने से जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न्ड बाय, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा। फोर ऑप्शन दे रखे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का ए, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो गवर्न्ड किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। नेक्स्ट है 73, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोवंस मेनली सर्व फॉर, प्रोटोजोवा के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है। तो जो आपका फोर ऑप्शन दे रखे हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन या वाटर एब्जॉर्प्शन। राइट आंसर ऑप्शन सी ऑस्मोरेगुलेशन यानी परासरण नियंत्रण से। नेक्स्ट है 74, एलिफेंटाइटिस एंड फाइलेरियासिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय, हाथी पाव अथवा फाइलेरिया का रोग स्थानांतरित होता है। तो ये किससे आपका स्थानांतरित होता है, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बेड बग या फ्रूट फ्लाई। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मॉस्किटो यानी मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट है, पॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, हाइड्रा के नेमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ है। फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हिप्नोटॉक्सिन, जो नेमेटोसिस्ट में आपका जो पॉइजनस सब्सटेंस पाया जाता है वो होता है आपका हिप्नोटॉक्सिन। नेक्स्ट है 76, होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज नॉट फाउंड इन, यानी पूर्ण भेदन नहीं पाया जाता है इसमें जो फोर ऑप्शन दे रखे हैं। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो आपका नहीं होता है, वो होता है ऑप्शन सी यानी चिक में, चिक में आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, एम्बेडेन मेयरहॉफ पाथवे रिप्रेजेंट, एम्बेडेन
मेयर हाफ जो पाथवे है ये प्रतिनिधित्व करता है। फोर ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, यानी ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल के ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन को जो है वो आपका एएमपी पाथवे या ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय, लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है तो लाइसोसोम जो प्रोड्यूस्ड होते हैं वो आपका गॉल्गी एपरेटस से प्रोड्यूस होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, गॉल्गी एपरेटस। नेक्स्ट है एंजाइम एनहांसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय, एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं तो कैसे बढ़ा देते हैं। फोर ऑप्शन दे रखा है इसमें, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, यानी संक्रिय ऊर्जा को घटाकर ये आपका रिएक्शन की जो केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है एक प्रकार से रेट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट है इफ स्प्लीन इज रिमूव्ड द प्लेटलेट काउंट विल बी, यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो पट्टिकाणुओं की गिनती का क्या होगा, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन अनअफेक्टेड या बी रिड्यूस टू जीरो। राइट आंसर ऑप्शन बी, ये इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेनलिन हार्मोन इंक्रीजेज, एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है। इसमें फोर ऑप्शन जो दे रखे हैं, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर या बोथ ऑफ दीज, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हार्ट बीट को भी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को, तो राइट आंसर बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस डिफर्स फ्रॉम क्रोमैग्नन मैन इज, होमो इरेक्टस क्रोमैग्नन मान से किस बात में भिन्न होता है, तो राइट आंसर फोर ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हैविंग प्रोट्रूडेड जॉज, यानी ढलवा जबड़ों के द्वारा, जबड़ों में ये आपका भिन्न होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यॉर्क प्लग फॉर्म्स ड्यूरिंग, पीथ प्लग किस प्रक्रिया में बनता है, गैस्ट्रुलेशन, न्यूरुलेशन, ब्लास्टुला फॉर्मेशन या मारुला फॉर्मेशन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट है 84 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ब्रेन इज मेसोडर्मल, स्केलेटल इज मेसोडर्मल, लीवर इज एक्टोडर्मल या नन ऑफ दीज, लीवर इज एक्टोडर्मल, तो जो आपका फोर ऑप्शन दे रखे हैं इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि आपका सही है, स्केलेटन इज मेसोडर्मल यानी कंकाल जो है वो मध्य स्तरीय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 इन फ्रॉग ग्लॉटिस इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स ऑफ मेढक में, ग्लॉटिस का नियंत्रण किन पेशियों के द्वारा होता है, तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरेटिनॉइड कार्टिलेज। नेक्स्ट है 86 विच वन ऑफ फॉलोइंग वर्टिब्रेट टिश्यू वुड बी एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ कोलेजन, निम्न में लिखित में कौन कशेरुक उत्तम कोलेजन का अति उत्तम स्रोत है, ये स्रोत होगा, तो राइट आंसर 86 में जो आपको फोर ऑप्शन दे रखे हैं, लीवर, मसल, टेंडन, नर्व, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेंडन यानी कंडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बायोलॉजी शब्द परिचय कराता है, एरिस्टोटल, लैमार्क, डार्विन या लीनियस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैमार्क।
नेक्स्ट है, ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर हेड्स आर पार्ट्स ऑफ द, ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर सिरे भाग होते हैं किसके, वर्टिब्रा, रिब्स, रेडियो अल्ना या टिबियो फिबुला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिब्स यानी पसलियों के। नेक्स्ट है आपका, पेब्राइन डिसीज ऑकर्स इन, पेब्रिन जो रोग होता है वो किस में होता है, लार्क इंसेक्ट, सिल्क फॉर्म, चिकन या हनी बीज। तो पेब्राइन जो डिसीज है ये आपका पाई जाती है सिल्क फॉर्म में। राइट आंसर ऑप्शन बी, सिल्क फॉर्म यानी रेशम के कीड़ों में। 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विच डिसीज इज कास्ट बाई लेशमिनिया डोनोवेनी, लेशमिनिया डोनोवेनी से कौन सा रोग हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस, ओरिएंटल सोर, कालाजार या डिसेंट्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालाजार। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो आपका टीसी फ्लाई से होती है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालाजार। नेक्स्ट है, ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, खुला रक्त परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है, अर्थवर्म, लिजर्ड, कॉकरोच, टोड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कॉकरोच यानी तिल चट्टे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू बॉर्न बेबी द सेल्स विच विल नॉट फॉर्म आर, नवजात शिशु में यदि थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो जिस कोशिका का निर्माण रुक जाएगा कौन सी, मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट या इओसिनोफिल्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, टीनिया टेक्स इट्स फूड ओनली थ्रू, टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है केवल माउथ, शकर बॉडी वॉल या शकर एंड माउथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉडी वॉल यानी देह भित्ति द्वारा। नेक्स्ट है 94, सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड, रेशम ग्रंथियां हैं रूपांतरित किसमें, सेलेवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एंडोक्राइन। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियों का रूपांतरण है आपका सिल्क ग्लैंड्स। नेक्स्ट है 95, हार्मोन दैट कॉजेज मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन द बेबी बिगेन्स टू शकल इज कॉल्ड, बच्चे के दुग्धपान के समय स्तन में दुग्ध का निष्कासन करने वाले हार्मोन का नाम है। तो निष्कासन के लिए जो आपका हार्मोन है वो है आपका ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एरियल स्टेम ऑफ एक्वासिटम, एक्वासिटम के वायवीय तने में निम्न में से क्या, फॉलोइंग इज फाउंड इन एरियल स्टेम ऑफ एक्वासिटम यानी एक्वासिटम के वायवीय तने में निम्न में से क्या पाया जाता है, फोर ऑप्शन, रिजेस ओनली, फरो ओनली, बोथ रिजेस एंड फरो या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ रिजेस एंड फरोस यानी कटके एवं खांचे दोनों होते हैं इसमें। नेक्स्ट है, कैराइनल कैनाल आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ एक्वासिटम इन, एक्वासिटम के तने में कूटकी नलिकाएं जो हैं जिन्हें कैरियल कैनाल कहते हैं पाई जाती हैं किसमें, पाई जाती हैं वेस्कुलर बंडल, कॉर्टेक्स, पिथ या ऑल ऑफ दीज।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वैस्कुलर बंडल यानी संवहन पुल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, विच वन इज ज़ीरोफाइट, निम्न में से कौन मरुद्भिद है, मार्सिलिया एजोला, साल्विनिया या एक्वासिटम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्वासिटम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, द लिटिल क्लब मॉस इज द कॉमन नेम फॉर, लघु क्लब मॉस प्रचलित नाम है। फोर ऑप्शन सिलेजनेला, लाइकोपोडियम या एक्वासिटम, मार्सिलिया। तो यहाँ पर लिटिल वर्ड लगा हुआ, तो लिटिल क्लब मॉस जो है वो आपका यूज होता है सिलेजनेला के लिए। बहुत ध्यान से करिएगा, लिटिल क्लब मॉस सिलेजनेला के लिए यूज होता है। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एम्फीबियस प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पौधा है। तो उभयचर जो पौधा है, फोर ऑप्शन लाइकोपोडियम सिलेजनेला मार्सिलिया एंड एक्वासिटम। तो एम्फीबियस प्लांट जो है वो है आपका ऑप्शन सी यानी मार्सिलिया। तो ये थे आपके 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। थैंक यू।